ट्रिप की अभी तक शुरुआत भी नहीं हुई और मेरा नाक जाम हो गया। देखो ये साइड पता नहीं बहने भी लग सकता है, इतना ठंडा है यहाँ पे। बाय द वे मैं हूँ अभी सतारा में, माय होम टाउन, मेरा शहर, और हमारी ट्रिप आज सुबह शुरू हो गई। आशु के फ्रेंड्स जोधपुर से आए, 4 बजे उनकी ट्रेन पुणे रेलवे स्टेशन पे आ गई। हम करीब 4:30 बजे वहाँ पहुँचे उनको लेने, और प्लान था कि वहाँ से सतारा आने का, तो 4:45 बजे वहाँ से निकले। अंधेरे में सतारा आ गए, अंधेरा नहीं, जब तक सतारा पहुँचे कुछ 6:30 बजे थे। हाँ 6:30 बजे हम सतारा पहुँचे, 6:30-7 बजे होंगे, और आके सो गए लिटरली, क्योंकि वो लोग भी बहुत थके थे। 24 आवर्स जर्नी ऑलमोस्ट जोधपुर से पुणे, और फिर वहाँ से यहाँ 2 घंटा, वो अभी भी सो रहे। और मैं रात भर सोया नहीं था, मेरा काम चल रहा था। उसके बाद पुणे से सतारा ड्राइविंग, और इसलिए बहुत अच्छा सोया, बहुत अच्छा नहीं 1 घंटा सोया। और अभी प्लान ये है कि हमारी ट्रिप कहाँ है, तो वी आर हेडिंग टू गोवा। यस, इस 31st वी विल बी इन गोवा। तो अभी ऐसा प्लान है कि राजस्थान वालों को महाराष्ट्र की ब्यूटी दिखानी है, खास करके सतारा, उसका आउटस्कर्ट्स, कास जो एक लेक है, और बामनोली जो कोयने का बैक वाटर्स है वो दिखाना है। अब भी देख लो सतारा कितना ब्यूटीफुल है। द ट्रिप रिज्यूम्स। 2 बजे निकलने वाले थे लेकिन 3 बजे है, लेकिन ठीक है क्योंकि ये कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं है कि टाइम पे पहुंचना, नहीं तो बॉस फायर कर देगा हमको। जब निकलना है हम निकलेंगे, जब पहुंचना है हम पहुंचेंगे। क्या बोलते हो गाइस? ओके, अभी अजीम को आपने देखा होगा पहले व्लॉग में, जोधपुर वाले व्लॉग में अजीम, फिर पीछे फेरा है, उनकी प्रिंसेस टिया है, हमारी प्रिंसेस कियारा है, और आशू है, और मैं ड्राइविंग सीट पे। तो अभी हम कास की तरफ जा रहे हैं, सभी लोग भूखे हैं और एक डाउट है कि खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये एक हंट होगा, तो देखते क्या होता है। ये जो है ना, इसको नवरा नवरी का डोंगर बोलते हैं, इसको आइए वाला ये। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि यहाँ से कई साल पहले यहाँ से एक बारात जा रही थी, और लोग थे, और अचानक वो बारात गायब हो गई रात को, पूरी की पूरी बारात गायब हो गई, और यहाँ पे फिर 2 पत्थर बने जो दिखते हैं जैसे दुल्हा दुल्हन। एक इधर और एक इधर, यहाँ पे खाना खा लेते हैं। तो एक होटल पे रुके हम, हेरिटेज वाड़ी करके इसका नाम है। ये कास रोड पे है, सतारा कास रोड। लास्ट टाइम जब मैं मेरी फैमिली के साथ आया था यहाँ पे घूमने के लिए, तब हम रुके थे, खाना अच्छा मिला था। तो अभी यहाँ हम खाना खाएंगे और आगे बढ़ेंगे। हम आपको आगे कास की तरफ जाना है, और उसके आगे बामनोली की तरफ। टडांग, कैसा लगा? एक नंबर। मजा आ रहा है ट्रिप का? हाँ। कियारा अभी नींद में है, तो गाड़ी जब भी शुरू हो जाती है वो सो जाती है, उसका सिंपल फंडा है। वैसे
से खाना दबा के खाया हम लोगों ने, हाँ मजा आया ना। वेज ही खाया, नॉन वेज खाने की इच्छा थी लेकिन वेज खाया और बहुत अच्छा। हेरिटेज वाड़ी में वेज और नॉन वेज दोनों अच्छा मिलता है, लेकिन मैंने जब जब भी खाया वेज खाया यहाँ पे। और अभी हम कास की तरफ जा रहे हैं। हाँ ब्रेक डाउन द ऑकवर्डनेस, पुट ऑन माय बूट्स एंड अ लिली वाइट ड्रेस, a million words but how to express what I'm feeling when I see you. You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then of course drop everything. You walk over and ask if I'm all right, hey whatever. हम बामनोली पहुंच गए हैं और बामनोली जो है वो कोयना डैम जो है उसका बैक वाटर्स है, और ये बैक वाटर्स बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। मतलब जैसे तापोला आपने सुना होगा, जिसको मिनी कश्मीर बोलते हैं, महाबलेश्वर के से होके तापोला जाते हैं, ये इसी का एक्सटेंड है एक जिस, तो तापोला, बामनोली और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जहां तक ये पानी फैला हुआ है। और बहुत सीनिक है, बहुत ब्यूटीफुल है। जो लोग घूमने आते हैं वो बोटिंग बिल्कुल मिस नहीं करते, पता नहीं हम करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत ब्यूटीफुल है। देखिए मतलब ये नेचुरल ब्यूटी मैं एंजॉय कर ही रहा हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा एंजॉय जो कर रहा हूँ वो ये है। मतलब आपका बच्चा आपसे चिपक के जब सोएगा उसका जो सुकून है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बामनोली करके ये बहुत ब्यूटीफुल गांव, अभी सब लोग वहाँ बैठे हैं चाय पीने के लिए, मैं भी चाय पीऊँगा। मैं जा रहा हूँ गाड़ी की तरफ, गाड़ी यहाँ पे लेके आऊँगा और चाय पीने के बाद हम जाएंगे वापस सतारा। कुछ 35 किलोमीटर है सतारा यहाँ से, सब लोग थके हैं, मैं भी थक गया हूँ। सतारा जाके कब सो जाता हूँ क्योंकि कल सुबह उठ के गोवा के लिए निकलना है। Awesome. So I'll be ending the vlog over here. See you in the next vlog. Stay awesome. Keep rocking. Love Vikram. Bye bye.